रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल टेकड़ा में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशन सहाय, आईपीएस आईजीपी जयपुर, विशेष अतिथि अंजलि जोरवाल, कमांडेंट पीटीएस एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि किशन सहाय आईपीएस ने बताया कि वर्तमान समय में पौधारोपण के लिए जागरूकता जरूरी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पौधारोपण किया गया तथा लोगों ने पर्यावरण का संदेश दिया। क्लब के अध्यक्ष अर्पित गुप्ता ने कहा कि कोविड महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मृत्यु ने सारी दुनिया को पेड़ों को लगाने और उन्हें सहेजने का संदेश दिया है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभा रही हैं, जिसको लेकर सभी लोगों को आगे आना चाहिए और हर एक आदमी को पौधारोपण करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को बचाना है तो हमें पौधा जरूर लगाना है। उन्होंने कहा कि आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव जीवन कष्टदायक हो रहा है। क्लब के नितिन गर्ग ने बताया कि क्लब की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 400 पौधे लगाने की योजना है और आगे भी जारी रहेगी। प्रदूषण ने पूरे विश्व को अनेक तरह की समस्याओं से ग्रसित कर दिया है, इसका निदान मात्र पौधारोपण है। सभी लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण करें। क्लब के सचिव अमित जैन ने कहा कि पौधारोपण के साथ ही जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनकी सुरक्षा भी करें। समाज में ये संदेश फैलाना आवश्यक है कि यदि पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं हैं तो मानवीय जीवन भी सुरक्षित नहीं है। रोटेरियन मधुर अग्रवाल ने बताया कि पर्यावरण का संरक्षण सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है और कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। वर्तमान समय में पौधारोपण के लिए जागरूकता जरूरी है, सभी लोगों को अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस दौरान रोटेरियन यतेंद्र अग्रवाल, पुलिस के जवान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।